नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपने फ़ोन से फ्लाइट का टिकट बुक कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने मोबाइल से ही फ्लाइट का टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। दोस्तों, कम्प्लीट प्रोसेस आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह का वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है एग्जीक्यूट ट्रेंड्स। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या चाहे तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद में आपको सिंपल इसको ओपन करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसको तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करने का पेज आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर को डाल देने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। परमिशन मांगे तो आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, जितना भी परमिशन मांगे सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि OTP आ चुका है और OTP ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो चुका है और हमने एग्जीक्यूट ऐप में सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं और एग्जीक्यूट ऐप का होम पेज ओपन हो चुका है। फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे ऊपर सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिलेगा फ्लाइट्स, आपको सिंपली इस पर ही क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको फ्रॉम में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं और टू में सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ पर जाना है। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमें पटना से न्यू दिल्ली जाना है तो हमने फ्रॉम में डालते हैं पटना, क्योंकि हमें पटना से जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आ चुका है पटना, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके नीचे आपको टू में डालना है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, तो हमें नई दिल्ली जाना है तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आ चुका है न्यू दिल्ली, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कैलेंडर का लोगो दिया गया, आपको इस पर क्लिक करना है और आप जिस डेट में टिकट बुक करना चाहते हैं फ्लाइट का और डेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च फ्लाइट्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी डेट आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ से आप डेट चेंज करना चाहे तो आप डेट चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने 10 जून को ही रहने देते हैं और ये ऑलरेडी सेलेक्ट है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि फ़्लाइट का यहाँ पर नंबर दिया गया है और फ्लाइट का यहाँ पर टाइम टेबल देख सकते हैं और इसका किराया। तो आपको जिस फ्लाइट में टिकट बुक करना है आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमें सबसे ऊपर वाली फ्लाइट का टिकट बुक करना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इसको तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका किराया कितना है और इस पर देख सकते हैं कि यदि हम इसको बुक करते हैं तो इस पर हमें 850 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है फ्री कैंसिलेशन चार्ज, यहाँ पर आपको 599 रुपया यदि आप लगाते हैं तो आप इस टिकट को कैंसिल कीजिएगा तो इसके लिए आपको चार्ज नहीं कटेगा। आप जितना पेमेंट किए होंगे, आपका जितना टिकट का पैसा लगा हो उतना ही अमाउंट आपको रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप फ्री कैंसिलेशन लेना चाहते हैं तो आपको इसको टिक करना है, तो इसमें 599 रुपये बढ़ जाएगा। यदि आप फ्री कैंसिलेशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको बेसिक को टिक करना है। तो हम फ्री कैंसिलेशन नहीं लेना चाहते हैं तो हम बेसिक को यहाँ सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिससे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको इसको डाउन कोड के नीचे आना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बुक नाउ का बटन है, बुक का आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सिक्योर माय ट्रिप पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन में पहले से किसी का नाम, किसी पर्सन का नाम ऐड करके रखे होंगे तो यहाँ पे उनका नाम शो हो जाएगा और यदि उनके नाम से टिकट बुक करना चाहते हैं तो उनका नाम डायरेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी और पर्सन का नाम आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है जहाँ पर लिखो चैन ट्रेवलर्स, तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऐड न्यू एडल्ट पे क्लिक करना है और आप जिनके नाम से टिकट बुक करना चाहते हैं उनका नाम आपको यहाँ पे उनका डिटेल आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है तो उनका भी नाम इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको स्कॉर डाउन करके नीचे आना है। दोस्तों, यदि आपका ईमेल आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी को डाल देना है। इसके नीचे आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, यदि आप मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेंज करके पसेंजर का मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके नीचे आना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, आपको इस बॉक्स को टिक करना है। यदि टिक नहीं है तो टिक करना है, टिक है तो आपको टिक ही रहने देना है। इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है।
इसको तो आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फाइनल कितना रुपये पे करना होगा जो ऊपर दिखा रहा है आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बैलेंस भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। यदि आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप किस एप्लीकेशन से पेमेंट करना चाहते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि आप UPI मैनुअली डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप UPI मैनुअली डाल सकते हैं। जिससे कि फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमें फ़ोनपे से पेमेंट करना है तो यहाँ पे हम फोन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पे के बटन पे क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना UPI पिन को डालना है। दोस्तों हो सकता है कि आप सबको यहाँ पर ब्लैक दिखाता होगा क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसका स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना UPI पिन को डालना है। इसके बाद राइट कलर पर क्लिक करना है तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद में आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। इसके बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा और आपको यहाँ पे PNR नंबर दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें फ्लाइट का टिकट बुक नहीं करना था इसलिए हम यहाँ पेमेंट नहीं किए। यदि हम पेमेंट करते तो हमारा टिकट बुक हो जाता। तो इस तरह से आप फ्लाइट का टिकट अपने फ़ोन में बुक कर सकते हैं। आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट प्रॉब्लम या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।